माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। प्रयागराज में नैनी क्षेत्र है जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद में आता है। यहाँ पर एक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, जो कि भारत की एकमात्र सार्वजनिक और निजी कंपनियों में से है जो भारी क्षमता के जो पंप्स एंड कंप्रेसर्स बनाती है, और ये सप्लाई करती है ONGC को, OICL को और NPCIL को। और इसकी प्राइसेस इतनी कंपटीटिव हैं कि विदेश से आने वाले जो पंप्स एंड कंप्रेसर्स हैं वह भी इसके प्राइसिंग के वजह से उन्हें अपने प्राइसेस लो रखनी पड़ती है। और यह कंपनी वर्तमान में मुनाफे में चल रही है। इस कंपनी के जो हालात खराब हुए थे वो अब ठीक हो चुके हैं। एक समय पे मिनी रत्ना कंपनी भी रही है, लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि संभवतः अधिकारियों के सचिवों के स्तर पर इस कंपनी को बंद करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मैं आदरणीय मंत्री जी से और सरकार से अपील करती हूँ कि नैनी का औद्योगिक नगर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसको बचाएं और ONGC और OICL वगैरह को जो हमारी भारत पंप एंड कंप्रेसर्स सप्लाई देती है उसको कंटिन्यू रखें। ये कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए जनहित में। धन्यवाद। Talking to note that for last 6 months, three former Jammu and Kashmir Chief Minister, including 84-year-old Farooq Abdullah, have been languishing in jail illegally. It is totally an illegal detention. Yes. However.